नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। हर इंसान की ईटिंग हैबिट यानी कि खान पान से जुड़ी आदतें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग सेहतमंद रहने के नजरिए से खाते हैं, तो कुछ लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने पीने में ज्यादा परहेज करते हैं, तो कुछ लोग केवल स्वाद के पीछे ही भागते रहते हैं। आदतें चाहे जैसी भी हों, रोजाना या कभी कभी खाई जाने वाली चीजों को लेकर जो हमारी सोच और धारणा बनी हुई है, उस पर हमारे आसपास के लोगों का या माहौल का, टीवी पर बताई जाने वाली एडवर्टाइज का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और जाने अनजाने में हम ऐसी चीजें खाने को पसंद करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा ही हानिकारक होती है। तेजी से वजन बढ़ना, अक्सर पेट से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याएं होना, लगातार दिमाग में फिजूल के ख्याल चलते रहना, ज्यादा आलस करना या फिर थकान महसूस होना, या अचानक त्वचा पर पिंपल्स, खुजली का होना, रात को ठीक से नींद ना आना, तनाव का बढ़ना और आँखों में कमजोरी आना, शरीर में शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जोड़ों तथा किडनी से संबंधित बीमारियां जो कि खान पान में गलत चीजों के सेवन करने से ही होती है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसे जानेंगे, 10 ऐसी खाई जाने वाली आम चीजों के बारे में जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जिनका हमें कम से कम सेवन करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर आप इन चीजों को खाते हैं तो इन्हें कब और किस तरह खाना चाहिए। इस लिस्ट में है सबसे पहले चावल। चावल अगर गरम गरम दिन के समय खाया जाए तो इनसे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है रात के बचे हुए चावल अगले दिन खाने की। रात के बचे हुए चावल हमारी सेहत के लिए जितना हमें लगता है उससे कई ज्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि चावल पकने के बाद जब ठंडे हो जाते हैं तब उन पर बैसिलस सीरियस नामक जीवाणु फैलने लग जाते हैं। ठंडे चावल जितने ही सामान्य तापमान पर रखे हुए होते हैं उतनी ही देर तक यह जीवाणु पूरी तरह से चावल पर फैलकर उसे दूषित कर देता है और उन पर टॉक्सिन्स नामक विषैला पदार्थ फैला देता है। फिर चाहे चावल को दोबारा कितनी ही गर्म करना के फिर चाहे दोबारा चावल को कितना ही गर्म कर लिया जाए, यह विषैला पदार्थ चावल से बाहर नहीं निकलता। और इस तरह के चावल को खाने पर फूड पॉइजनिंग होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। फूड पॉइजनिंग में पेट दर्द और उल्टी दस्त, पेट दर्द की ज्यादा चांस होते हैं, समस्या होने की, सर दर्द और शरीर में ताकत की कमी होने लगती है। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोशिश करें कि चावल गरम गरम ही खाएं। और अगर आप ठंडे चावल दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें पकाने के बाद पूरी तरह से ठंडा होने के पहले ही फ्रिज के अंदर टाइट ढक्कन वाले डब्बे या बर्तन में ही डालकर रखें। लेकिन ऐसा सिर्फ घर पर बनने वाले चावल के साथ ही करें, बाहर मिलने वाले चावल या उनसे बने डिशेज का किसी भी स्थिति में दोबारा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा चाय या कॉफी भी कई स्थितियों में हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, खासकर तब जब इसका सेवन खाली पेट किया जाए। हमारे पेट का खाली रहने का सबसे लंबा समय रात का समय होता है और लंबे समय तक खाली रहने की वजह से हमारे पेट में एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए सुबह उठते ही उस एसिड को शांत करने के लिए ही 2 से 3 गिलास तक पानी पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट बिना कुछ खाए चाय या कॉफी का सेवन करते हैं, उनके शरीर में यह एसिड दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। ऐसे में हाइपर एसिडिटी, कब्ज, गैस, अपचन, त्वचा का काला पड़ना और बाल झड़ने जैसी समस्याएं समय के साथ साथ शुरू हो जाती हैं। चाय में कैफीन की मात्रा अधिक होने के कारण धीरे धीरे इसकी आदत बढ़ जाती है। फिर चाहे दिन का समय हो या शाम का, खाली पेट चाय पीना सीधे अपने पेट को जलाने के समान होता है। चाय पीने से हमारे स्वास्थ्य को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलता और जब इसमें चीनी भी मिला दी जाती है तो इसके हमारे शरीर पर होने वाले बुरे प्रभाव 10 गुना और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण चाय या कॉफी का एक कप रोजाना पिया जाना हड्डियों से लेकर त्वचा तक 50 से भी अधिक बीमारियां खड़ी कर सकता है। इसलिए चाय या कॉफी खाली पेट कभी न पिए और कोशिश करें कि इन्हें पूरी तरह से बंद कर दें। इसके अलावा सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि इनके अंदर जरूर से ज्यादा केमिकल्स और शुगर होती है। पोषक तत्वों के नजरिए से अगर देखा जाए तो इनके अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं होती जो कि हमारे शरीर में किसी भी तरह के ये फायदा पहुंचाए। ये तो सभी जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से मोटापा और चर्बी ज्यादा बढ़ती है, लेकिन इससे बढ़ने वाले मोटापे की खास बात यह है कि ये शरीर के अनचाहे जगहों पर इकट्ठा होता है। हाल ही में की गई एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि जो लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वह कोल्ड ड्रिंक्स में पाई जाने वाली फॉस्फोरिक एसिड की वजह से उम्र के पहले ही बूढ़ा हो जाते हैं और देखने में भी
अपने से 8 से 5 साल तक ज्यादा दिखाई देते हैं। रोजाना खाए जाने वाले भोजन के साथ अचार या नमकीन होने पर, चटनी अचार या नमकीन होने पर खाने का स्वाद और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन इसमें अचार एक ऐसी चीज है जिसका सेवन संतुलित मात्रा में करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अचार वैसे तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन करने पर यह हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। ज्यादातर अचार बनाने में बहुत ज्यादा मसाला, तेल, सिरके का इस्तेमाल होता है। तेज मसाले और नमक की वजह से इसमें सोडियम की भी मात्रा बहुत होती है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बहुत अधिक बढ़ाती है। और क्योंकि यह स्वाद में बहुत ही खट्टा होता है, इसलिए ज्यादा अचार खाने वाले लोगों को अक्सर बंद नाक, गले का दर्द, त्वचा पर अलग अलग तरह की एलर्जियां, गांठे बनने के साथ साथ हाइपर एसिडिटी और सूजन आने की भी समस्या हो जाती है। इसीलिए अचार कभी कभी और कम मात्रा में ही खाना चाहिए। एक बार में बहुत ज्यादा अचार नहीं खाना चाहिए। हर तरह के भोजन और पकवान बनाने में तेल सबसे मुख्य चीजें होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है, कौन सा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और कौन सा हानिकारक है। हानिकारक तेल की अगर बात की जाए तो सोयाबीन का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के पाचन तंत्र के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। जब हम सोयाबीन का तेल या उससे बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। पुरुष और महिलाओं के दोनों के हार्मोनों पर बुरा असर डालती है। हार्मोन्स में गड़बड़ी आने पर थायराइड से लेकर गुप्त रोगों तक की समस्या आ जाती है। महिलाओं से संबंधित रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी बीमारी होने के बहुत ही अधिक चांस होते हैं। इसलिए खाना बनाने के लिए सोयाबीन ऑयल की जगह तेल, सरसों नारियल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। जब भी सेहत बनाने या सेहतमंद रहने की बात आती है तो सबसे पहले अंडे खाने की सलाह दी जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो रोजाना कसरत यानी कि वर्कआउट करता हो या जिसकी रोजाना जिंदगी से बहुत अधिक शारीरिक मेहनत करने वाले कार्य जुड़े हों, उन लोगों को अंडे खाने से नुकसान नहीं होता है। हालांकि अंडे खाने के कई फायदे हैं, लेकिन पूरा अंडा खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बहुत तेजी से बढ़ता है। जो लोग रोजाना अंडा खाते हैं उनके शरीर में अंडे ना खाने वाले के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे हार्ट के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसके अलावा कई लोग तो कच्चे अंडे भी खा जाते हैं। दूध, अंडा, मांस, इस तरह की चीजें जो कि हमें किसी जानवर के जरिए मिलती हो, उसे खाने से पहले पकाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह की चीजें कच्चा खाने से साल्मोनेला पॉइजनिंग होने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं, जिसमें कि उल्टी, दस्त होने के साथ साथ भयंकर रूप से पेट खराब और असहनीय दर्द से ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए अंडों को कच्चा कभी न खाएं और पका के खाने पर भी, और पहले निश्चय कर लें कि अंडे अच्छे क्वालिटी के ही हो। इसके अलावा पॉपकॉर्न जल्दी से बन जाने वाली एक चीज है, जिसके हल्के वजन होने के कारण अक्सर लोगों को यह लगता है कि यह हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर घर पर बनाए जाने वाले पॉपकॉर्न को छोड़कर बाजार में हर तरह के मिलने वाले पॉपकॉर्न, चाहे वो बने बनाए हो या पैकेट में आने वाले रेडी टू कुक हो, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि इनके अंदर नमक, चीनी, तेल और आर्टिफिशियल कलर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी पैदा कर देती है। और ज्यादा पॉपकॉर्न खाने से हृदय संबंधित रोग होने के भी चांस होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बाहर मिलने वाले पॉपकॉर्न को कम से कम खाएं। इसके अलावा ऐसी खाई जाने वाली चीजें जिनमें आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया गया हो, वह भी हमारे शरीर के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। खाई जाने वाली चीजों को दिखने में सुंदर और स्वादिष्ट बनाने के लिए आजकल फूड कलर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बाजार में मिलने वाली ज्यादातर मीठी चीजें जैसे कि केक, आइसक्रीम, पैकिंग में मिलने वाले जूस और ड्रिंक्स, बर्फ का गोला और तरह तरह की टॉफी या चॉकलेट में आर्टिफिशियल डाई का इस्तेमाल होता ही है। और मीठे के अलावा पैकिंग में मिलने वाले स्लाइस, चिप और नमकीन का आर्टिफिशियल डाई का इस्तेमाल इन्हें लंबे समय तक अच्छा और सुंदर दिखने के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल कलर किसी भी इंसान के शरीर में जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने होते हैं, ना ही नेचुरल फूड कलर, और इनके प्राकृतिक होने की कोई गारंटी होती है। अलग अलग कलर को बनाने के लिए अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल होता है, इसलिए हर कलर का हमारी सेहत पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। नीले कलर का डाई हमारे दिमाग पर असर डालता है, वहीं हरा कलर हमारे ब्लैडर यानी कि मूत्राशय पर पूरा असर डालता है। लाल डाई हमारे खून को अशुद्ध करने के साथ साथ थायराइड को खराब करता है। और इसके अलावा पीला कलर अस्थमा को बढ़ावा देने के साथ साथ सूंघने की शक्ति को भी कमजोर कर सकता है।
आर्टिफिशियल कलर का एक पूरी तरह से सेहतमंद शरीर पर चाहे इतना असर ना हो, लेकिन बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि आप कलर वाली चीजों का इस्तेमाल बहुत ही कम करें। आज के इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें वैसे तो बहुत आम हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो थोड़ी सी सावधानी बरतकर इनका इस्तेमाल करना कम कर सकते हैं। अगर इस तरह की चीजों का सेवन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो हर व्यक्ति अपने शरीर को कई खतरनाक बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।